हेलो एवरीवन। तो आज फिर से एक नया वीडियो और एक बहुत ही जरूरी अपडेट है आप लोगों के लिए। अगर आप वेट कर रहे हो अपने पीपीआर के लिए तो देखिए, कल जैसे मैंने मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे अपडेट किया था कि आजकल थोड़ा मैं बिजी हूँ क्योंकि मेरी क्लासेज चल रही हैं ऑनलाइन और वो भी ऑफ आवर्स में होती हैं, लाइक रात को 11 बजे से और सुबह 7 बजे तक। तो आप समझ सकते हो कि फिर अगला दिन कैसा रहेगा आदमी का। तो इसके लिए मैं बहुत रेगुलर अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ, वीडियोज़ वगैरह नहीं बना पा रहा हूँ। लेकिन कल जो एक मेजर चीज़ जो हुई वो ये थी, IRCC के ट्विटर हैंडल पे अपडेट आया था कि वी आर यू नो प्लानिंग टू हैव अ वेबिनार ऑन द वैक अपडेट। तो मैंने कहा ये न्यूज़ आप तक पहुँचानी बहुत ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी लोग ना इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि मेरे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अब नया AIP, नया प्रोसेस और नया सब कुछ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, तो मैंने तो बोल दिया कि हाँ भाई आने वाला है, नया वेब फॉर्म आएगा। तो हो क्या रहा था कि वेब फॉर्म को लोग बहुत ज़्यादा ढूंढ रहे थे कि भैया PPR का वेब फॉर्म है कहाँ। तो वो जो अभी तक जो होता क्या था कि canada.ca की जो IRCC की वेबसाइट है वहाँ पे एक वेब फॉर्म का क्वेरी का ऑप्शन है, तो लोग उसी वेब फॉर्म को सोच रहे थे कि यही वेब फॉर्म यूज होगा आपका पासपोर्ट रिक्वेस्ट करने के लिए। नहीं, इसके बारे में आपको बताऊंगा कि अभी क्या है। तो आज की जो IRCC की जो वेबिनार थी, देखिए मुझे लग रहा है उन्होंने एक स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन बना के रख रखी है, वही चलाए जा रहे हैं बार बार। उसमें कुछ भी नया नहीं था, केवल एक ही चीज़ नई थी, वो ये थी कि हमने अपना नया वैक अपडेट में अपना नया वेब फॉर्म लॉन्च कर दिया है आज। तो जो वेब फॉर्म लॉन्च किया है, और इवन उसका ये नहीं बताया कि आप कहाँ से जाके कैसे भर पाओगे, वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि आप अगर IRCC ने नया जो पासपोर्ट रिक्वेस्ट सबमिशन के लिए जो वेब फॉर्म लॉन्च किया है वो आप कहाँ ढूंढ सकते हो और कहाँ कैसे उसको भर सकते हो। तो उसका मैं आपको एक वीडियो में स्क्रीन भी शेयर करूंगा। तो दिस इज वन, बट बिफोर दैट वी वर डिस्कसिंग कि भाई ये जो नया जो अपडेट इन्होंने दिया, 25 मिनट खर्च किए लोगों के, मेरे जैसे लोगों को भी बहुत क्यूरियोसिटी थी कि भाई क्या चेंज कर रहे हैं, क्या हो रहा है। तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। पहला, उन्होंने फिर से वापस दोबारा बोल दिया कि 31 जनवरी तक ऑनलाइन एप्लीकेशन ही होंगी, कोई भी पेपर एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है। दूसरा, मैं आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड आउट कि जो स्पाउस और जो दूसरे वीजाज हैं उनका कहाँ पे अभी इन्होंने चालू किया है नहीं किया है। तो प्रोबेबली दैट विल बी स्टार्टेड यू नो इन द फर्स्ट वीक ऑफ फेब, प्रोबेबली आई एम नॉट क्लेमिंग इट। तीसरा, जो उन्होंने जो प्रेजेंटेशन दिया था उसके में स्क्रीनशॉट मैंने रिकॉर्ड किए थे ताकि आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, वो मेरे आगे इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो पहले स्क्रीनशॉट में उन्होंने दिखाया है कि जो प्रोसेस है ये 31 जनवरी तक आपका जो है ऑनलाइन रहेगा। दूसरे में बोला है कि कौन कौन लोग हैं जो ट्रेवल कर सकते हैं ट्रेवल रेस्ट्रिक्शंस के बावजूद भी। तो वही है पुराना कि आपका DLI लिस्टेड होना चाहिए ये, और अप्रूव्ड होना चाहिए, कोविड प्लान अप्रूव होना चाहिए। फिर बाद में फिर कि फैमिली, इमीडिएट फैमिली कौन कौन है, अगर आप वहाँ पे हो तो कौन लोग ट्रैवल कर सकते हैं। इमीडिएट फैमिली मतलब केवल आपकी स्पाउस और बच्चे 22 साल से नीचे के, तो कोई भी भाई ये वो कोई इमीडिएट फैमिली में नहीं गिना जाता है इसमें, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो कैसे आप अपना पासपोर्ट रिक्वेस्ट फॉर्म कहाँ से जाके ढूंढ सकते हो और कैसे भर सकते हो अगर आपके पास पासपोर्ट रिक्वेस्ट का आपके GC की में। देखिए होगा क्या, व्हाट विल बी द प्रोसेस, वंस योर एप्लीकेशन इज अप्रूव्ड देन यू विल रिसीव अ कम्युनिकेशन इन योर GC की अकाउंट, नाउ प्लीज सबमिट योर पासपोर्ट। आफ्टर दैट यू हैव टू गो एट द VFS ग्लोबल वेबसाइट, वहां पे 26 जनवरी का एक अपडेट है जिसमें उन्होंने एडिट लिंक डाला हुआ है पासपोर्ट रिक्वेस्ट फॉर्म, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको वहां स्टेप वाइज जो है सेलेक्ट करते जाना है, वो सब कर डिटेल करके और सेव कर देना है, दैट्स इट। जो पहले, और उसमें एक और चीज है, उसमें लास्ट में वो आपसे पूछता है कि आपने बायोमेट्रिक देते वक्त प्रीमियम लाउंज सर्विस ली थी या नहीं थी, ली थी। अगर आपने प्रीमियम लाउंज सर्विस ली है तो उसकी जो ट्रैकिंग ID की जो आपको एक बड़ी स्लिप टाइप मिलती है, वो स्लिप को आपको नंबर वहां पर डालना है ट्रैकिंग ID, और उसको अपलोड करना है। अदरवाइज आपको केवल अपना PPR रिक्वेस्ट अपलोड कर देना है वहां पे डॉक्यूमेंट अपलोड में और जाके सेव कर देना है।
और आपसे कुछ 532 रुपए वो लेंगे। ठीक है जी, ये बहुत क्विक अपडेट था उन लोगों के लिए जो ढूंढ रहे थे कि भाई पीपीआर अगर जम आ गई है हमें तो अब हम करें क्या, कैसे आगे जाएं, क्योंकि उन्हें वेब फॉर्म मिल नहीं रहा था। तो वेब फॉर्म का मैं आपको लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूं। और तो अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया है तो, और अगर आप सब सोचते हो कि दिस वॉज हेल्पफुल, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड डू शेयर विद द फ्रेंड्स एंड फैमिली हु वॉन्ट सम हेल्प ड्यूरिंग देयर प्रोसेस ऑफ इमिग्रेशन टू कैनेडा। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ।